उत्तर दिनाजपुर जिले इस्लामपुर में पुलिस फायरिंग में अपनी जान गंवाने वाले दारीबीट स्कूल के दो छात्र राजेश सरकार व तापस सरकार के माता पिता 30 मई को दिल्ली में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण समारोह का गवाह बनेंगे। प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के लिए पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर जिले से इन दोनों परिवारों को शामिल होने का निमंत्रण मिला है। निमंत्रण मिलने के बाद वे लोग दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इस्लामपुर के दाढ़ी भी स्कूल में छात्र एवं पुलिस के संघर्ष में मारे गए दो छात्रों का परिवार नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली के उद्देश्य से रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा दाढ़ी कांड में मारे गए छात्रों के परिवार वालों को शपथ समारोह में आमंत्रित करने से उनके परिवार वालों एवं गाँव के लोगों को हत्याकांड की जाँच सीबीआई से कराए जाने की उम्मीद बढ़ी है। गौरतलब है कि पिछले साल इस्लामपुर दारीबीट हाई स्कूल में बांग्ला शिक्षक की मांग को लेकर छात्रों के आंदोलन के दौरान पुलिस फायरिंग में राजेश सरकार व तापस सरकार की मौत हो गई थी। हमार बाबा माँ दिल्ली गए थे श्री नरेंद्र मोदी कल के शपथ ग्रहण अनुष्ठान, तो माने नरेंद्र मोदी आमंत्रणे हमार परिवार लोक दिल्ली ते गए थे। कारण एर आगे जखन माने प्रधानमंत्री জলপাইগুড়িতে সভা করল, শিলিগুড়িতে সভা করল, তখন তখন আমরা মানে একটু হলেও আশ্বাস পেয়েছি যে মানে আমরা বিচারটা পাবো। তো যখন মানে এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে আমাদের পরিবারকে ডাকলো, তখন আমরা মানে ভরসা পেলাম যে আমরা সিবিআই তদন্তটা এবার পেয়ে যাব। নরেন্দ্র মোদী আমাদের আমার বাবা বাদল বর্মন, মা মঞ্জু বর্মন এদেরকে নিমন্ত্রণ করছে তাদের শপথ মঞ্চে, মাদেরকে নিয়ে গেছে। এদেরকে যে নিমন্ত্রণ করেছে এর জন্য আমাদের মানে আরও মানে সাহস বাড়ছে যে আমাদের সিবিআই তদন্ত পাবো, আমরা আমাদের মানে পুলিশ যে গুলি করে মারছে এদের বিচার দিতে পারবো।